सोना चांदी की तस्करी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन एमपी वाकई गजब है। वहां एक दो नहीं बल्कि करीब 60 AK-47 राइफलों की तस्करी हो गई। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से चोरी AK-47 नक्सलियों को भी बेची गई। मुंगेर के अलावा बिहार के कई जिलों में AK-47 की सप्लाई की गई। 2012 से ही शमशेर अपनी बहन के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी कर रहा था। पुरुषोत्तम जबलपुर से हथियार लेकर बिहार आता था, वहां शमशेर और इमरान को सौंप देता था। पुरुषोत्तम एक AK-47 5 लाख में बेचता था, शमशेर और इमरान इसे और ज्यादा दाम में बेचते थे। पुरुषोत्तम ट्रेन से AK-47 लेकर मुंगेर आता था, पुलिस को शक ना हो इसलिए पत्नी को भी साथ लाता था। मुंगेर पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। कई और लोग जांच के दायरे में हैं। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि इस मामले में सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हथियार तस्करी का ये पूरा गिरोह काम कैसे करता था। हथियार तस्करी गिरोह का मास्टरमाइंड जबलपुर का रहने वाला पुरुषोत्तम है। मास्टरमाइंड पुरुषोत्तम रजक सेना में आर्मरर के पद पर काम कर चुका है। सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में तैनात सुरेश ठाकुर भी इस गिरोह का हिस्सा है। सुरेश ठाकुर पुरानी AK-47 और उसके पुर्जे पुरुषोत्तम को देता था। पुरुषोत्तम AK-47 को ठीक करके 5 लाख रुपए में बेच देता था। 29 अगस्त को पुरुषोत्तम पत्नी के साथ AK-47 लेकर जमालपुर पहुंचा। पुरुषोत्तम ने AK-47 से भरे 2 बैग इमरान और शमशेर को दे दिए। इमरान गिरफ्तार हो गया, शमशेर वहां से भाग निकला। इमरान की निशानदेही पर शमशेर और उसकी बहन की गिरफ्तारी हुई। 2012 से ही शमशेर बहन के साथ मिलकर तस्करी कर रहा था। तस्करों का ये गिरोह अब तक 60 से 70 AK-47 बेच चुका है। एसटीएफ की टीम ने और जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कल छापेमारी की और शमशेर आलम की गिरफ्तारी की तथा उसकी बहन के घर से हथियार का एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें 3 AK-47 और कुछ और पार्ट पुर्जे बरामद हुए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि लगभग 70 AK-47 राइफल इमरान और एक और उसके साथी को मुंगेर में दिया है। इसके मुख्य सरगना थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके आधार पर और पूछताछ हो रही है और बाकी भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हो सकता है वहाँ के और कोई अधिकारी वगैरह भी इन्वॉल्व हों।